जय हिंद। आप में से बहुत से लड़कों ने कमेंट कर करके ये बात पूछा कि सर टूर ऑफ ड्यूटी को अच्छे से समझा दीजिए। तो चलिए समझते हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो समझते हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल से। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आर्मी में जाने के कई रास्ते हैं। इंडिया में अगर देखिएगा तो ये तीन रास्ते हैं। अभी इंडिया में एक दौर है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन उसे कहा जाता है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी आर्मी के साथ पूरी लाइफ गुजारनी होती है। लाइफ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब आपको पूरी ज़िंदगी आर्मी में नहीं रहना है। अगर आप जवान हैं तो आपकी उम्र 38 से 40 साल होगी तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ऑफिसर है तो 54-55 पे रिटायर कर दिया जाता है। कर्नल से ऊपर रैंक के हैं तो 60 साल पे रिटायर किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज ये परमानेंट में आते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसमें आपको 10 से 15 साल ड्यूटी करनी होती है। जब तक ड्यूटी करिएगा तब तक आपको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। 15 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को पेंशन भी दिया जाता है। अब आर्मी जो नया प्लान कर रही है वो टूर ऑफ ड्यूटी ये 3 साल के लिए होगा। अभी इस पर कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लेकिन हमारे जो CDS हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उन्होंने इस ओर इशारा किया था कि टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान चल रहा है तो ये 3 साल के लिए आर्मी में आना होगा। अभी हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आने के लिए इसमें VIP लोग को शामिल कर दिया जाता है। अब मेन जो है वो हमारी बात चल रही है किस पर, टूर ऑफ आर्मी पर, टूर ऑफ ड्यूटी पर। इसके तहत केवल 3 साल के लिए लाया जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर 3 साल में फ़ायदा क्या हो। देखिए मान लीजिए अगर इस साल 1000 लोगों को भर्ती किए, फिर अगले साल 1000 लोग, फिर अगले साल 1000 लोग, 3 साल में हमारे पास कितने हो गए, 3000। अब अगले साल तो जो पहले आए थे वो तो रिटायर होंगे, फिर 3000 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमेशा एक रेगुलर आर्मी बनी रहेगी। और ये आर्मी को हमें क्या नहीं देना पड़ेगा, पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा। अभी हम पेंशन पे आएंगे, चर्चा करेंगे। अब तो हम आगे समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी में। ध्यान से समझिए इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में समझिए। ये एक तरह का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप क्या होता है कि आपको किसी खास काम के लिए और खास फिक्स समय के लिए जब बुलाया जाता है तो उसे इंटर्नशिप कहते हैं। इससे सेना हमेशा जवान रहेगी, यंग रहेगी। जैसे मान लिया कि हमने 1 साल के लिए 1 लाख लोगों को किस में भर्ती किया, टूर ऑफ ड्यूटी में, एक इस साल भर्ती किया, फिर अगले साल 1 लाख को भर्ती कर लेंगे, फिर अगले साल 1 लाख को कर लेंगे, यानी 3 लाख हमारे पास आ गए सब। फिर अगले साल इधर 1 लाख को रिटायर करेंगे तो फिर 1 लाख को भर्ती भी तो कर लेंगे। और जिसको हम रिटायर किए उसको तो पेंशन देना नहीं है कि भैया हम 3 साल ड्यूटी कराए हैं। अब ध्यान से समझिएगा जी, ऐसे करके हमारे पास 3 लाख का स्टॉक बचा। और ये 3 लाख की जो आर्मी है एकदम यंग है, 18 साल के लड़कों को भर्ती करेंगे, 18, 19, 20, 21। तो ये 3 साल का, 18 से 21 साल के लड़कों को शादियों ब्याह नहीं हुआ रहता, एकदम यंग गर्म खून रहता है। अब बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे खड़ा करेंगे ना, देशभक्ति राष्ट्रवाद तो कूट कूट के भरा है, समझ। अब जैसे कोई परिवार वाला आदमी है, सेना हमारे हर उम्र के जवान बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जो 40-50 साल एज हो गया उन पे जिम्मेदारियां हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो भी इंसान है, वो भी हमारे लिए लड़ते हैं, तो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है। अरे वो जो नया नया छोड़ा जाता है सर, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, ना आगे ना अपना पीछे पगा, गोली चलाया अरे तुम हम पे, ये वो चलाएगा हमसे तुरा बम मार देंगे यहाँ पे। तो ये आर्मी को यंग रख सकते हैं। इससे आर्मी को डबल फायदा कि आर्मी हमेशा यंग रह गई और जो रिटायर हुए उन्हें सैलरी भी नहीं देना है। और आर्मी कम भी तो नहीं होगी ना भैया, हर साल हम एक एक को रखे रहेंगे, हमेशा हमारे पास 3 लाख की एक टूर ऑफ आर्मी की, टूर ऑफ ड्यूटी की फौज बड़ी रहेगी, समझ आए कि नहीं। अब आप कहिएगा कि सर वो जो 3 साल बाद रिटायर कर देंगे और उसको पेंशन भी नहीं देंगे तो लड़का कहाँ जाएगा। तो देखिए भैया, इसमें सेना विचार कर रही है कि हम इस तरह से एंट्री कराएंगे कि जैसे कोई लड़का ग्रेजुएट हो गया है तब आओ भैया 3 साल ड्यूटी करो और जाओ। और सरकार एक नियम बना देगी कि कोई भी SSC रेलवे बैंक वगैरह वो इन लड़कों को आरक्षण दे जो मतलब आर्मी की ट्रेनिंग कर ली है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाती है। आपका बढ़िया बढ़िया ब्रांड जो हजारों रुपए के आप जो ब्रांड पहनते हैं ना, उस ब्रांड की कोई कीमत नहीं है अगर आपके बगल में कोई बंदा वर्दी पहन के इंडियन आर्मी का उस पर लोगो बना हो पहन के खड़ा हो जाए तो सारा आपका ब्रांड बर्बाद हो गया उस आर्मी के वर्दी के बाद। तो एक वर्दी भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा? तो भैया पेंशन नहीं मिलेगी। सारा बवाल तो पेंशनें कम करने के लिए हो रहा है, समझ आए कि नहीं। तो पेंशन नहीं मिलेगा आपको। क्यों पेंशन नहीं मिलेगा? क्योंकि पेंशन देने के लिए कम से कम आपको 17 साल की ड्यूटी करनी रहती है, इसमें तो ओवरऑल 3 साल की ड्यूटी ही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएगा वो सेना के एडवेंचर को भी देख लेगा, राष्ट्रवाद भी देख लेगा, डिसिप्लिन भी सीख लेगा, स्वास्थ्य मेंटेलिटी हर चीज को सुदृढ़ कर लेगा और दूसरी नौकरी में उसको छूट भी मिलेगा। तो उसका भी करियर खराब नहीं हुआ, देश की सेना भी जवान रह गई और देश का जो पेंशन पे खर्च था वो भी बच गया। आर्मी का जनता से जुड़ाव भी हमेशा रेगुलर बना रहेगा 3 साल पे। अब जैसे क्या होता है कि एक आर्मी गया वो 40 साल ड्यूटी पे रहेगा, तो भैया 40 साल तक आप उसके जगह पे दूसरा भर्ती नहीं करेंगे। पूरा ड्यूटी का है और कौन सा जवान हमारा मतलब परमानेंट है, तो सब का सब क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। आप समझ में आ गया आप लोग को कि ये टूर ऑफ ड्यूटी मेन और मेनली किसके लिए किया जा रहा है कि भैया हम अपने पेंशन पे हो रहे खर्च को कंट्रोल कर सके और अपनी सेना को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे सके। जैसे हमारे सैनिकों का बैलिस्टिक हेलमेट नहीं रहता है, इंफ्रारेड रिकॉग्नाइजर नहीं रहता है, अभी भी हम लोग इंसास राइफल लेके चल रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें, आर्मी की जो बूट होती है वो काफ़ी हैवी होती है, वजन में बहुत भारी होता है। अभी कई ऐसे बूट आ गए हैं आर्मी के पास, जैसे अमेरिकन सोल्जर का दिखेगा तो बूट बहुत मजबूत रहता है जूता और भारी नहीं रहता है। हमारे सैनिकों का बूट मजबूत है लेकिन भारी है, तो भैया उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो हम लोग आधा पैसा तो सैलरी पेंशन पे खत्म कर दे रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे टूर ऑफ आर्मी का। बाकी आर्मी में हथियार वगैरह कौन से होते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, देख के कैसे पहचान जाएंगे कि AK-47 है कि SLR है कि 303 है कि इंसास है, पिस्टल माउजर इस सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, इस सब के बारे में हम आपको वीडियो बना देंगे। बहुत से लड़के कर रहे हैं प्लेलिस्ट बनाने के लिए, तो उसको भी बना देंगे और प्लेलिस्ट में हम आपको डिफेंस में आपको हर एक चीज़ हथियार वगैरह के बारे में भी समझा देंगे, ताकि युवाओं के प्रति एक जिज्ञासा रहती है कि हमारी आर्मी क्या कर रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ आया। एक सैल्यूट हमारे भारत के वीर जवानों के लिए। जय हिंद।